अरे आ जाओ सनी, होटल में आकर मिलना जरूरी है क्या? यार तुम कैसी बातें कर रही हो, होटल में नहीं मिलेंगे तो और कहाँ मिलेंगे? पर सनी, हम किसी पार्क या रेस्टोरेंट में भी तो मिल सकते हैं ना। अरे बाबा, पार्क और रेस्टोरेंट में तो हम लोग मिलते रहते हैं, और बाहर जानती हो ना गर्मी कितनी है। कैसी बातें कर रही हो तुम? पर सनी एक बार सोचो, एक स्कूल की लड़की होटल आई है, वो भी किसी लड़के के साथ, कैसा लगेगा सुनकर? क्या सुनकर यार दिव्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन बताएगा? तुम बताओगी या मैं बताऊंगा? और होटल में कौन देखने आ रहा है यार? यार दिव्या एक बात बताओ, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं सनी, ऐसा नहीं है, मैं ट्रस्ट करती हूँ ना, लेकिन गलती से कभी दीदी को या फैमिली को पता लग गया तो क्या होगा सनी? अरे यार कैसे पता चलेगा, मैं बताने नहीं वाला, तुम कुछ बताओगी नहीं, और वैसे भी मेरा दोस्त का होटल है, उसने आईडी तक ली तुम्हारी, नहीं ली ना यार, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ठीक है सनी, चले अब अंदर। सॉरी, गुस्सा मत करो। चलो रूम अच्छा है ना? हाँ। बैठो ना। सनी, एक बार फिर से सोच लो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे दिव्या क्या प्रॉब्लम होगी यार, मेरे दोस्त का होटल है, तुम ज्यादा सोचो मत प्लीज। सनी एक बार सोच लेते ना, अगर कोई आ गया, किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा दिव्या, तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पे कोई है? देखो तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ फालतू का। एक बात बताओ, ये सब जरूरी है क्या? यार दिव्या तुम कैसी बातें करे जा रही हो, प्लीज शांत हो जाओ ना, प्लीज मूवमेंट खराब मत करो हमारा। देखा सनी, मैंने बोला था ना प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई आ गया, प्लीज गेट मत खोलना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या यार, इतना क्यों घबरा रही हो? देखो आज ना हम सुबह सुबह जल्दी आ गए हैं, हो सकता है रूम सर्विस वाले हो, अब मैं देख के आता हूँ। सनी प्लीज मत जाओ ना, बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा इतना मत डरो, तुम एक काम करो, तुम बाथरूम में चले जाओ, तुम्हें डर लग रहा है ना, जाओ। हाँ जी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। हाँ तो एक्चुअली सर आपने अर्ली चेक इन कर लिया था तो मैं रूम साफ नहीं करा पाई, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं भी रूम साफ करा देती हूँ। देखिए मैडम, हमने 1.5 घंटे के लिए आए हैं, आप हमारे जाने के बाद कर लेना, और वैसे भी रूम साफ ही है, अभी आप जाओ। Oh my God, ये तो दीदी है। दीदी यहाँ क्या कर रही है? दीदी ने तो कहा था मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, और ये सनी, सनी मुझे इसी होटल में ले आया। हे भगवान, क्या करूं मैं अब? सर सिर्फ 2 मिनट की बात है बस। मैडम हिंदी समझ में नहीं आ रही क्या आपको? 2 मिनट और कोई रूम नहीं होटल के अंदर, वो साफ कर लो आप। हेलो, कहाँ ध्यान है, कहाँ देख रही हो अंदर? जाओ अपना काम करो फिर। दिव्या, अरे आ जाओ यार, रूम सर्विस वाले ही थे। सनी एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, जल्दी से प्लीज। अरे बैठो ना बाबा, रूम सर्विस वाले थे, इतना क्यों डर रही हो तुम? सनी प्लीज समझो ना, किसी और होटल चलते हैं, जैसा तुम बोलोगे, जहाँ तुम बोलोगे, लेकिन प्लीज यहाँ से अभी चलते हैं, प्लीज चलते हैं सनी। अरे दिव्या तुम कैसी बातें कर रही हो यार, मैं पैसे दे चुका हूँ होटल में, मैं जगह जगह थोड़ी पैसे देता रहूंगा यार, छोड़ो ये सब। सनी ये सब जरूरी है क्या? दिव्या यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी भी करने वाला हूँ, और शादी करने से पहले हम दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा ना, उसके लिए बहुत जरूरी है, समझी? देखा सनी, मैंने बोला था ना पक्का प्रॉब्लम हो जाएगी, अब प्लीज एक काम करते, तुम गेट मत खोलो, हम लोग 2 मिनट बाद यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? अरे यार तुम पहले आराम से बात करो यार, अपने साथ साथ मुझे भी डरा देती हो, रूम सर्विस वाले होंगे, मैं समझा के आता हूँ उनको। सनी प्लीज मत जाओ ना, गेट मत खोलो, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। दिव्या शांत हो जाओ, मुझे ना गुस्सा आ रहा है, तुम्हें जितना बोल रहा हूँ तुम उतना करो, जाओ अंदर। होटल में और कोई कमरा नहीं है क्या, वो साफ कर लो जाके यार।
अरे सर होटल में छापा पड़ा है, पुलिस आ गई है, भागो यहाँ से। पुलिस? हे भगवान, अब घर में सबको पता चल जाएगा कि मैं होटल आई थी। इस सन्नी आज मुझे मरवा के छोड़ेगा, अब मैं क्या करूँ? भगवान प्लीज बचा लो मुझे, दीदी को भी पता चल जाएगा, वो पुलिस केस, मेरे दोस्त में भी पता चल जाएगा, कितनी बेइज्जती होगी। हे भगवान। पुलिस, दिव्या, दिव्या बाहर निकल, पुलिस आ गई, बाहर निकल, पागल है ये लड़की, बाहर में जा। दिव्या, दिव्या दरवाजा खोल। दिव्या मुझे पता है कि तू अंदर ही है, दरवाजा खोल। देखा अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिव्या तू ऐसे नहीं मानेगी। दिव्या मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगी, उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। अगर 3 तक तूने दरवाजा नहीं खोला ना फिर देख, 1, 2। आई एम सॉरी दीदी। सॉरी की बच्ची, तुझे स्कूल भेजती हूँ मैं और तू कहाँ मिल रही है? होटल रूम में। शर्म नहीं आ रही तुझे? क्या करने आई थी यहाँ पे? दीदी बस मिलने के लिए आए थे और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा आप समझ रहे हैं। मिलने के लिए आई थी? मिलने के लिए रेस्टोरेंट नहीं है, हाँ पार्क नहीं है, होटल रूम में किस तरह से मिला जाता है वो मुझे भी पता है और तुझे भी पता है। इतनी नासमझ मत बन। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी और मुझे सच में नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। और आप यहाँ, प्लीज सॉरी दीदी, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, लास्ट बार माफ कर दो दीदी। और सच में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। गलती नहीं हुई क्योंकि मैंने देख लिया था और कुछ गलत होने नहीं दिया, समझी? अगर आज मैं इस होटल में मैनेजर ना होती तो गलत तो हो ही चुका था तेरे साथ, है ना? सब इंतजाम करके आई थी तू, अकेला रूम, अकेला होटल का कमरा, अकेला लड़का, है ना? क्या करवाना चाहती थी अपने साथ? तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, अरे कितने सपने देखे थे तेरे लिए कि तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएंगे, पर मैडम यहाँ अफसर बन रही है, होटल रूम में आना है गुलछर्रे उड़ा के। कभी सोचा है इस बारे में अगर मम्मी पापा को पता चला तो कैसा लगेगा उन्हें? नहीं नहीं दीदी, मम्मी पापा से कुछ मत बोलो, मेरे से गलती हो गई ना, मम्मी पापा को सच में सुन के बहुत बुरा लगेगा। और वो पुलिस को भी प्लीज, पुलिस से बचा लो दीदी, पुलिस को कुछ मत बताना वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, और ये हाथ जोड़ के बार बार ड्रामे क्रिएट मत कर मेरे सामने। वैसे इस होटल में कोई पुलिस नहीं आई है, ये सारा प्लान मेरा था। क्या? पर दीदी क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं इस होटल में आई थी इस होटल के रूम साफ करवाने के लिए, मैंने तभी तेरा ये बैग, तेरी टाई और तेरी घड़ी देख ली थी और मुझे पता है कि ये चीज़ें तो मेरी बहन की हैं। मैं तभी समझ गई थी कि आज तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। शुक्र कर कि आज मैं यहाँ थी, वरना तेरी इज्जत तार तार हो जाती। तू जानती है एक होटल में ना लड़की की इज्जत नहीं नोची जाती, नोचे जाते हैं तो माँ बाप के सब। पर तूने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं, है ना? नहीं दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मैं सच में मन लगा कर पढ़ूंगी और जैसा आप चाहते हैं वैसा करूंगी दीदी। पता है दिव्या कितने सपने थे मम्मी पापा के मेरे, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की सिर्फ इसलिए कि मैं तुझे पढ़ा पाऊँ। नौकरी कर रही हूँ जबकि मेरा भी पढ़ने का कितना मन था, पर मुझे लगा कि मैं अगर अपने सपनों का त्याग करूंगी तो मेरी बहन मुझे समझेगी और वो खुद इतनी बड़ी अफसर बन के दिखाएगी कि मेरा और मम्मी पापा का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन तू, तूने सिर गर्व से ऊंचा नहीं किया, तूने तो हमें इस मिट्टी में गाड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया है। मैं इस होटल में बैठती थी और रोज देखती थी कि स्कूल की लड़कियां इस होटल में आती हैं, लेकिन मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं था ना, तो मैं रोक भी नहीं सकती थी। पर दुख होता था कि बेचारी उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, लेकिन पता है कहीं ना कहीं एक प्राउड भी होता था कि मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। वही ना, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन आज, आज खुद तुझे इस होटल के रूम में देख के ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि लगाऊं कौन पे दो खींच के। दीदी मुझे माफ कर दो, आज के बाद सच में कभी ऐसा नहीं होगा, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। और वो लड़का, मैं नहीं जानती थी ऐसा कुछ भी होगा, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है दीदी। प्यार करता था वो लड़का?
जिस लड़के ने ये सुना कि इस होटल में छापा पड़ गया है, पुलिस आ गई है और तुझे अकेला छोड़ के भाग गया, उसने ये सोचा नहीं दिव्या कि तेरा क्या हाल होगा, पुलिस तुझे पकड़ के ले जाएगी, थाने में बिठाएगी, क्या 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 करेगी तेरे साथ, सोचा उसने? प्यार करता था। ये ना तुम लड़कियों की सबसे बड़ी गलती होती है कि कभी भी किसी भी लड़के पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती हो। पर दुनिया इतनी आसान नहीं होती, दुनिया इतनी अच्छी नहीं होती। जितने माँ बाप होते हैं, जितने अपने होते हैं। तो बेटा मैं सिर्फ तुझे इतना समझा रही हूँ, ये उम्र तेरे पढ़ने लिखने की है और जब तू पढ़ लिख जाएगी ना, हम खुद तेरे हाथ पीले करेंगे, जिससे चाहेगी उससे। लेकिन तब तक के लिए तुझे लायक तो बनना पड़ेगा ना। देख मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, बहन हूँ। मैं तुझे डांट देती हूँ लेकिन सिर्फ तेरी अच्छाई के लिए। लेकिन दिव्या कभी हमारा भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि जब अपना कोई भरोसा तोड़ता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। दीदी आज के बाद सच में कभी ऐसा नहीं होगा, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। जैसा आप लोग चाहते हैं ना, मैं वैसे ही पढ़ लिख कर अफसर बनूंगी। आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगी, प्लीज दीदी माफ कर दो। ठीक है दिव्या, मैं तो उस पर पहली और आखिरी बार विश्वास कर रही हूँ, लेकिन इस बार ना प्लीज कुछ गलत मत करना और अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाना। ये ले अपना बैग पकड़। ले अब चल।